एंड यू आर वॉचिंग इट्स माय लाइफ यस स्माइल। तो अगर आपने मेरा अनाउंसमेंट यानी शॉर्ट वीडियो देखा है तो आपको पता होगा दिस मंथ इज गोना बी माय बर्थडे एंड आज का जो वीडियो है वो है बर्थडे वीक का फर्स्ट वीडियो। तो अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं कर रखी है तो कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। सो आज का वीडियो है लोहड़ी स्पेशल वीडियो, यानी कि लोहड़ी इज अबाउट सम बॉनफायर, सम भांगड़ा म्यूजिक, पंजाबी गर्ल्स एंड देयर फैशन एंड हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल पे रुकते हैं, हेयर स्टाइल के लिए ही वीडियो बनाए आज का जो मैं शेयर करने वाली हूँ, मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पंजाबी हेयर स्टाइल। तो यानी कि ये होने वाले हैं ये दिस। तो पंजाबी लोग ही ये परांदी लगाते हैं और बहुत लोगों को ये लगाना नहीं आता है, तो इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ा ही ईजी है। सो अगर इसमें से आपको कोई भी हेयर स्टाइल पसंद आता है और आप ट्राई करते हैं तो प्लीज मुझे जरूर टैग करना इंस्टाग्राम पे, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां जाके मुझे टैग करना है #टैग बिल्ली का बर्थडे और #टैग लोहड़ी स्पेशल हेयर स्टाइल। यस, इन दो #टैग को जरूर यूज करना ताकि मैं उनको देख पाऊं। सो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले आपको पता ना आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करने भी बिल्कुल मत जाना, लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना। लोहड़ी आने वाली है यार, सो हैप्पी लोहड़ी इन एडवांस। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, तो ये है हमारा पहला हेयर स्टाइल और कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत इजी है। तो आपने क्या करना है, ईयर के पीछे वाली साइड से थोड़ा सा स्मॉल सेक्शन लेना है बालों का, इस तरीके से जैसे मैं ले रही हूँ। यस, एंड थोड़ा सा ज़्यादा ही लें एंड जो ईयर के जो ऊपर वाले हिस्से पे जो बाल होते हैं वो उसको हटा दें ताकि वो बीच में ना आए। तो इसके जो नीचे वाले बाल हैं थोड़े से ज़्यादा ले लें, जितने जिसके हैवी होंगे उतने अच्छा रहेगा। सो इस तरह से क्लचर लगा लें एंड कॉम करके ब्रेडिंग करना स्टार्ट करना। तो ब्रेडिंग के लिए एक नॉर्मल ब्रेड करनी है हमें, कुछ नहीं करना है, जस्ट आप एक नॉर्मल ब्रेड करते जाएं जैसे कि कर रही हूँ मैं। ब्रेडिंग तो हो चुकी है तो रबर बैंड से इस तरह से लगा ले और अब इस जो ब्रेडिंग है उसको टीज करना है, मतलब जो साइड्स होते हैं ना उसको हल्के हल्के से खींचते जाना है तो वो ना खुली होती जाएगी, जैसे जैसे लूज होता जाएगा ना वो उतना अच्छा इफेक्ट देगी और उतनी सुंदर लगेगी। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे खींच खींच के निकालते जाएँ। तो अब क्या करना है, आगे से ऐसे तरह से फ्लेक्स निकाल लें, मतलब ऐसे बालों को थोड़े थोड़े से निकाल लें आगे से, तो ऐसे लटे निकालते हैं और इस तरह से घुमा कर लाएँ ब्रेड को उल्टी तरफ और अंदर की तरफ बालों के नीचे की तरफ जाके पिन से अटैच कर दें। तो इस तरह से आपका एक इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा ऊपर ब्रेडिंग का, ब्रेड अच्छे से लगेगा ऊपर से आपने ब्रेड कर रखी है तो ये बहुत ही सुंदर लगता है सामने से देखने में। शायद कैमरे में उतना सही से ना दिख रहा हो बट सामने से देखने में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसको ऐसे टिस्ट भी छोड़ सकते हैं, अगर कोई वेस्टर्न ड्रेस पर कैरी करना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। सो मैं मांगटे का लगा रही हूँ क्योंकि हमें लोहड़ी स्पेशल हेयर स्टाइल करना है। तो उसके बाद हम करेंगे परांदी लगाएंगे, यानी कि हम पीछे से चोटी बनाएंगे और उस पर लगाएंगे परांदी। तो जिन लोगों को परांदी लगानी नहीं आती है वो अब सीख सकते हैं। सो ये इस तरह से इसके तीन लेयर्स होते हैं, जैसे हम चोटी बनाते हैं उसमें भी तीन स्ट्रैंड्स लेते हैं, उसी तरह से तीन स्ट्रैंड्स होते हैं। तो जिसके जितने बाल छोटे हैं तो ऊपर से परांदी लगाना स्टार्ट करें और अगर लंबे बाल हैं जैसे कि मेरे हैं तो थोड़ा थोड़ा सा गुद करके, मतलब थोड़ा सा ब्रेड करके उसके बाद लगाना स्टार्ट करें। तो मैं थोड़ा सा ब्रेड कर रही हूँ, उसके बाद सेकंड या थर्ड स्टेप में जाके मैं इसको परांदी लगाना शुरू करूँगी। तो अब बारी आ गई है परांदी लगाने की। तो जैसे मैंने बताया था इसमें तीन स्ट्रैंड्स होते हैं, उसी तरह से जितने आपने तीन स्ट्रैंड्स पकड़े हुए हैं तो जो उसका जो गांठ वाला एरिया होता है वो नीचे की तरफ लेके और तीनों स्ट्रैंड्स को तीनों बालों के स्ट्रैंड्स के साथ पकड़ लें, तीनों बालों के सेक्शन के साथ, तो उससे ईजी जाएगा। और उसी तरह से नॉर्मल ब्रेड करते जाएँ। सो ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
सो इस तरह से बालों को आगे लेकर, जिनको लगता है कि पीछे करना डिफिकल्ट हो रहा है उसको आगे लेकर ब्रेड करना शुरू करें। और आपको परांदी क्लोज करने के लिए भी कुछ नहीं करना, जस्ट ब्रेडिंग करते जाना है बिल्कुल एंड तक, जहाँ तक वो है परांदी का जो ब्लैक वाला पार्ट होता है वो बाकी रहे, तब तक ब्रेडिंग करते जाना है। हम एंड पे पहुंच चुके हैं, तो अब कुछ नहीं करना है, एक रबर बैंड लेना है ब्लैक कलर का और उससे इसको रैप कर देना है। तो मेरी मॉम तो क्या करती हैं, वो तो अपने खुद ही इसी धागे से ही रैप कर देती हैं, पता नहीं वो कैसे करते हैं, बट मैं ब्लैक रबर बैंड की हेल्प से इसको बंद कर देती हूँ और ये रेडी हो जाती है। तो ये फाइनल लुक है स्वेटर। तो ये जो हेयर स्टाइल है इसके लिए आपको सीधा सेंटर पार्टीशन करनी है और इस तरह से कर लेना है। तो ये वाला मैं एक स्मॉल सेक्शन निकाल रही हूँ और इसको जो हमने स्मॉल सेक्शन निकाला है हमने इसमें भी ब्रेड करना है, एक नॉर्मल सिंपल ब्रेड करना है, कुछ भी ऐसा खास नहीं करना। ये हेयर स्टाइल जो है उससे भी ज़्यादा ईजी लगेगा आपको करने में। तो इस तरह से जैसे मैं ब्रेड कर रही हूँ स्मॉल सेक्शन की, इस तरह से नॉर्मल ब्रेड करते जाए जब तक बिल्कुल एंड में ना पहुँच जाए। और एंड में ले जाके या तो रबर बैंड लगा सकते हैं या तो चाहे नहीं भी लगा सकते। तो ये हमारी ब्रेड पूरी बन चुकी है और इसको पीछे की तरफ ले जाकर ऐसे पिन से अटैच कर दिया है मैंने। आप चाहे तो रबर बैंड लगा सकते हैं सिक्योर करने के लिए, बट मैंने ऐसे ही रख दिया। तो मैं उससे थोड़ी सी जगह छोड़कर उसके बाद आके फिर सेम ऐसे ही ब्रेड बनाई है और सेम क्लिप में जाके अटैच कर दिया है। और आपके साथ आप भी वही चीज़ कर सकते हैं, नहीं तो रबर बैंड लगा के कर सकते हैं। एंड सेम उसी तरीके से मैंने दोनों साइड कर लिया है। एंड हम इस तरह से फिर से हम आगे भी करेंगे, दो दो ब्रेड्स दोनों तरफ हो चुके हैं। एंड आगे भी थोड़ा सा स्मॉल सेक्शन लेंगे, थोड़ी सी बीच में जगह छोड़कर, गैप छोड़कर। तो जिनके स्ट्रेट हेयर है ना उसमें ये हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, यानी जिनके सिल्की बाल होते हैं। तो उसी तरह से तीसरी ब्रेड भी मैंने कर ली है और बिल्कुल एंड में ले जाकर मैं सेम पिन में जाके अटैच कर दूँगी इसी तरीके से। सो इट्स डन। एंड दूसरी तरीके से दूसरी तरफ भी सेम तरह से ब्रेड बना लें। सो आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ से ब्रेड्स बना लिए हैं और इसी तरह से रखना है। तो ये जो आप ब्रेड्स बनाए हैं इसमें चाहे तो आप कुछ लगा भी सकते हैं अगर आपको कुछ हेयर एक्सेसरी ऐड करना हो, बट मैं ऐसे ही छोड़ूंगी। और आगे से थोड़े से बाल ज़रूर निकाल लें, यानी जो लटे होती हैं आगे की। और अब ब्रेड करना है तो मैं पीछे की तरफ अब फिर परांदे लगाऊंगी, बट इस टाइम मैं डस्ट ब्रेड कर रही हूँ, यानी कि उल्टी चोटी कर रही हूँ, नॉर्मल ब्रेड नहीं है। आप चाहें तो नॉर्मल चोटी भी कर सकते हैं बट मैं डस्ट ब्रेड कर रही हूँ। एंड इसमें परांदी कैसे लगानी है, डच ब्रेड में भी सेम स्टाइल से ही परांदी लगेगी, कुछ भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उसी तरह से परांदी को अंदर की तरफ लेना है जो गांठ वाला एरिया है, और वही तीनों स्ट्रैंड्स यानी तीनों बालों के सेक्शन के साथ उसके साथ पकड़ लेना है उसी जगह पे। तो जितना हो सके उतना अच्छा टाइटली चोटी करें, मतलब टाइटली ब्रेड करें तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। बस उसी तरीके से सेम उसी तरह से क्लोज करना है परांदी को, कुछ नहीं करना है, सेम आगे को लेके ऐसे ब्रेड करते जाना है और एंड में आपको वही ब्लैक रबर बैंड लगा लेना है। एंड यू आर डन। इस
बारी मैंने ये सिल्वर ऑक्सीडाइज मांग टीका चूज़ किया है क्योंकि मैंने ब्लैक कुर्ती वेयर किया था इसलिए, एंड मैं ब्रेड में भी थोड़ा सा एक्सेसरी ऐड करूँगी। सो ये पिन्स आती हैं जो पर्ल्स वाली होती हैं, एक्चुअली सिल्वर पर्ल्स होते हैं ना, ये वो वाली पिन्स है, तो मैंने उसको ऐसे ब्रेड में लगा लिया, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर इफेक्ट दे रहा था। करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अब हम मिलेंगे कल। तो बाय बाय।